जजिए जा जी जजिए जा आरसीएम के संग जिए जजिए जा जी जजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लय भारी। दोस्तों आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों एक आज हम बात करने वाले हैं, एक अलग विषय पे हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये विषय है और काफ़ी बार इस विषय के बारे में चर्चा भी की गई, लेकिन इसका फाइनली सोल्यूशन आज मिल गया है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आरसीएम के रिगार्डिंग जो भी नया अपडेट आता है वो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे गांव खेड़े में रहते हैं, वहाँ पे पीयूसी अवेलेबल नहीं होती है, तो उनका कहना होता है कि यहाँ पे पीयूसी नहीं है, रोज़ रोज़ मैं खरीद करने को हर बार इतने दूर नहीं जा सकता। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने ऐसे प्रॉब्लम कई बार फेस किए होंगे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों मैंने अभी हाल ही में एक पार्सल करके कुरियर करके कुछ प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज के भेजे हैं, तो आप भी इसी तरह से कुरियर की मदद से वो प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं जहां पे पीयूसी अवेलेबल नहीं है, या फिर पीयूसी ज़्यादा दूर है, या फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बाहर स्टेट के है, वहाँ पे आसपास पीयूसी नहीं है, तो आप कुरियर करके भी उनको सामान भेज सकते हैं। तो आगे एक छोटा सा वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें, उसमें बताया मैंने कौन से प्रोडक्ट भेजे हैं और कैसे उसको किए हैं, कुरियर से कैसे उसको भेजा है। हम बात करने वाले हैं जहाँ पे अगर पीयूसी नहीं है, कोई ऑर्डर आपको आ जाता है तो उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है। तो ये कुछ सामान हम कुरियर करने वाले हैं, कुरियर से हम भेजने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है और ये न्यूट्रीचार्ज S5 है और न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। तो ये हमें भेजना है इंदौर के पास एक तालुका प्लेस है, वहाँ पे भेजना है। पीयूसी नज़दीक नहीं है उनको और वो किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पा रहे पीयूसी पे, तो हम ये महाराष्ट्र औरंगाबाद से भेज रहे हैं उनको कुरियर करके। तो कुछ इसी तरह से आप जहाँ पे पीयूसी नहीं है वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं इस तरह से। तो हम इसको अच्छा सा पैकअप कर लेंगे। फाइनली हमारा पैकिंग कम्प्लीट हो गया है। आपने देखा था सवेरे हमने 3 टैबलेट आपको बताए थे, जो कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन, फेज ओमेगा और S5, उसको अच्छी तरह से पैक कर दिया है और इस तरह से डिटेल में एड्रेस डाला है और साथ में मोबाइल नंबर भी इसमें डाला हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, कुरियर में डाल देंगे। और कुरियर की मदद से काफ़ी मदद आपके बिजनेस को मिल सकती है और इस तरह से आप जहाँ पे पीयूसी वगैरह अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट भेज सकते हैं काफ़ी आसानी से। बस आपको कौन से प्रोडक्ट चाहिए वो सेलेक्ट कर लेने हैं, उसको अच्छी तरह से पैकिंग करना है और कुरियर में उसको डाल देना है। तो लगभग 3 से 4 दिनों में ये प्रोडक्ट पहुँच जाते हैं। अगर एक ही स्टेट में है तो ये जल्दी पहुँचते, अगर अदरवाइज स्टेट है तो थोड़ा सा इसको समय लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छा पर्याय है और इससे आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है और वो जो सामने वाला बंदा है जहाँ पे पीयूसी वगैरह नहीं है वो आपके साथ जुड़ सकता है। और हाल ही में अभी जो डिस्प्ले वॉल हुआ है उसके माध्यम से अगर आसपास पीयूसी नहीं है तो डिस्प्ले वॉल भी वो खोल सकता है और डिस्प्ले वॉल के माध्यम से एक बार आके वो बहुत सारा सामान लेके जा सकता है। इससे मतलब आपकी बिजनेस बड़ा होने की काफ़ी संभावना है। तो दोस्तों बहुत बार क्या होता है, हम सोशल मीडिया पे हमारे जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज के उसको शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करते हैं, लेकिन वो बाहर स्टेट के होते हैं या फिर बाहर डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, तो उसके कारण हमें समझ में नहीं आता है किस तरह से उन तक प्रोडक्ट पहुँचाना है। तो दोस्तों रिटेलिंग भी आप कुरियर के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रिक है यह और मैंने कई बार इसको आजमाया है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, कुरियर से प्रोडक्ट उनके तरफ से जो प्रोडक्ट चाहिए उसको कन्फर्म करके उनका पेमेंट रिसीव करके आप वो प्रोडक्ट परचेस करके कुरियर उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आपका अब बिजनेस बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्ट का उनको रिजल्ट आता है। कोई भी कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है तो वो आपसे वापस पूछेगा और क्या क्या प्रोडक्ट है। तो इस तरह से उनकी आप KYC भी कर सकते हैं और डिस्प्ले वॉल भी उनको आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय आसियम। समय की दौड़ में
जमाने के संग आरसीएम आरसीएम।